सो हाय गाइस, इट्स मी कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज किस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप वीडियो के अंदर अपनी फेस एंड अपनी स्किन को कैसे हाई एंड रिटचिंग कर सकते हो, और उसी के साथ मैं आपको इस वीडियो पर यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी वीडियो को प्रोफेशनल कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। जी हाँ, इस एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों चीज़ें सिखाऊंगा और सिर्फ हम एक ही एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे, जो कि जिसका नाम है बीटा वीडियो एडिटर एप्लीकेशन। बीटा वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को यूज़ करके आप अपनी फेस एंड स्किन को वीडियो के अंदर रिटच कर सकते हो, उसी के साथ अपनी वीडियो को कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि किस तरीके से हम बीटा एप्लीकेशन के अंदर अपनी फेस एंड स्किन को रिटच कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले आप बीटा वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर इसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां से भी आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। बीटा वीडियो एडिटर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सिंपली आप इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन का जो इंटरनेट कनेक्शन उसे ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। उसके बाद आप सिंपली न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से सिंपली आप अपनी वीडियो को इम्पोर्ट कर लेंगे। ऊपर में आपको ऑल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो आप सिंपली ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने फोल्डर से सिंपली आप अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर लेंगे। तो जैसे कि देख सकते हो, मैंने अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें इस वाले एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। देन हमारा वीडियो फाइनली बीटा एप्लीकेशन के अंदर एड हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली राइट पे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल्टर नाम का, तो आप सिंपली फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप राइट पे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर नीचे आपको काफी सारे कलर ग्रेडिंग करने का प्रीसेट दिखाई दे रहा है, जैसे कि देख सकते हो। इनमें से कोई भी प्रीसेट को आप अपनी वीडियो पर अप्लाई ना करें, आपको सिंपली राइट पे स्क्रॉल करते जाना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जैसे कि देख सकते हो, पोर्ट्रेट 1, पोर्ट्रेट 2 और पोर्ट्रेट 3 एंड पोर्ट्रेट 4। यहाँ पर आपको अलग अलग यहाँ पर आपको लेवल दिया जाएगा कि आपको किस लेवल का फेस एंड स्किन को रिटच करना चाहते हो। तो यहाँ से हम बिल्कुल एंड को चूज़ करते हैं, लाइक पोर्ट्रेट 4 को। अब पोर्ट्रेट 4 चूज़ करने के बाद जैसे कि देख सकते हो, हमारी वीडियो पहले किस तरीके का था और अभी किस तरीके का है। मैं यहाँ पर आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हेयर इज द बिफोर एंड हेयर इज द आफ्टर, हेयर इज द बिफोर एंड हेयर इज द आफ्टर। तो काफ़ी ज़्यादा फर्क बन चुका है हमारे वीडियो के अंदर। उसके बाद आप चाहो तो इसका जो ओपासिटी उसे कम भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी कम नहीं करूँगा, 100% रखूँगा इसका ओपासिटी। ओके, देन हमें सिंपली डन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से हम चले जाते हैं। एडजस्ट नाम का एक ऑप्शन मिलेगा आपको यहाँ पर टाइमलाइन पे नहीं, आपको यहाँ पर नीचे मिलेगा इफेक्ट्स पैनल में, तो आप सिंपली एडजस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्राइटनेस का ऑप्शन मिलेगा, तो आप ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे। ओके, देन आपको यहाँ पर राइट पे स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको मिलेगा शार्पनिंग नाम का एक ऑप्शन, जो कि यहाँ पर, तो ये रहा शार्पन, तो आप सिंपली शार्पन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड इसका जो शार्पन आप थोड़ा इंक्रीज कर लीजिएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा शार्पन अप्लाई करने से पहले हमारा वीडियो इस तरीके का है एंड शार्पन अप्लाई करने के बाद हमारा वीडियो कुछ इस तरीके का दिखता है, लेकिन शार्पन को आप पूरा अप्लाई ना करें, ठीक है। इसे आप 40 के बीच में रख सकते हो, जैसे कि देख सकते हो मैंने 40% रखा हो। उसके बाद आपको यहाँ पर और एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्ट्रास्ट, तो आप सिंपली कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो कॉन्ट्रास्ट को आप इंक्रीज नहीं, कॉन्ट्रास्ट को आप माइनस रखिएगा, ठीक है। मैंने -7 रखा हो, तो आप चाहो उसकी अराउंड रख सकते हो, ठीक है। देन सिंपली कर दीजिएगा डन। तो अभी हमारा वीडियो पहले किस तरीके का था और अभी यहाँ पर किस तरीके का हो चुका है। ओके, तो मैं बिल्कुल पहले दिखाया था, ठीक है। तो हमारा वीडियो पहले कुछ इस तरीके का था और अभी हमारा वीडियो कुछ इस तरीके का है। तो जैसे कि देख सकते हो, हमारा जो वीडियो काफ़ी प्रोफेशनल लेवल का कलर ग्रेडिंग हो चुका है, उसी के साथ हमारी वीडियो के अंदर फेस एंड स्किन भी रिटचिंग हो चुका है। अभी बस हमें अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपली आप इसको नाम पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइनली हमारा जो वीडियो इनपुट हो रही है। तो कुछ इस तरीके से आप बीटा एप्लीकेशन को यूज़ करके अपनी फेस एंड स्किन को रिटच कर सकते हो, उसी के साथ आप अपनी वीडियो को कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये ट्यूटोरियल वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।